नीट का दोबारा भुगतान करना होगा। 1563 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क की गई है रद्द। जिन 1563 अभ्यर्थियों को नीट यूजी 2024 में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनका आवेदन रद्द कर दिया गया है। वे अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा दे सकते हैं क्या और केंद्र ने क्या कहा? आज गुरुवार 13 जून को केंद्र सरकार के शीर्ष अदालत को सूचित किया कि जिन 1563 उम्मीदवारों को नीट यूजी 2024 के ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। वो उम्मीदवार दोबारा शामिल हो सकते हैं और वो परीक्षा नीट यूजी 2024 23 जून को आयोजित की जाएगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि नीट यूजी विवाद 2024 के दौरान समय की बर्बादी के मुआवजे के रूप में 1563 से अधिक छात्रों को दिए गए अनुग्रह अंक की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार नीट यूजी 2024 ने बताया कि इन 1563 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा और उनके अंकों की गणना बिना किसी ग्रेस मार्क्स के की जाएगी। गुरुवार को ये भी निर्देश दिया कि प्रश्न पत्र लीक और अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली सभी याचिकाओं को एक साथ टैग किया जाए और मामले में अंतिम फैसला 8 जुलाई को सुनाया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट समिति 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस अंक रद्द कर देगी और उन्हें फिर से परीक्षा में बैठने के लिए कहा जाएगा और यदि वे परीक्षा में नहीं बैठना चाहते हैं तो उनके अंकों की गणना उनके वर्तमान स्कोर कोड में ग्रेस अंकों को छोड़कर की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गोमती एक्सप्रेस। नीट के संबंध में पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपियर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है, पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार